आएगा। देखिए इलायची जी, हमें लगता है आपको समझ में नहीं आया है। आपके पापा ने कंप्लेंट की है, कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट, पुलिस। आप समझ रही है इसका मतलब? वो हमें ढूंढते हुए कभी भी आ सकते हैं और हमें अरेस्ट कर लेंगे इलायची जी। क्या बात कर रहा यार? हाँ क्या बात कर रहा हूँ गुगू? कुछ ले लोगी तो मेरा क्या होगा? देखिए लाची जी, सुनीता जी की सुनिए ना, वो भी कह रही है प्लीज भगवान के लिए ये नाटक बंद कर दीजिए, सेठ जी को जाके सब कुछ सच सच बता दीजिए प्लीज इलायची जी। प्लीज जीजा जी, आपने बड़ी डरपोक किस्म के आदमी है, व्हाट इज दिस? जीजा जी जैसा सोच रहे हो कुछ नहीं होने वाला है। ओ दरोगा पिंकी अंक, घरेलू महिला। अरे उन्हें स्वेटर बुनने से फुर्सत मिले तब की बात है ना, लोग हमेशा सिर्फ लंबे लंबे छोड़ते रहते हैं। आज तक एक केस सॉल्व नहीं किया है ना सुन्नू? हाँ। अरे इलायची जी, हमें नहीं पता, हमें 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 प्लीज, हमें इस नाटक का हिस्सा नहीं बनना है, आप हमें प्लीज मुक्ति दीजिए, हम नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या मतलब? मतलब आप मुझे बीच रास्ते में धोखा दे रहे हैं? अरे इलायची जी, हम आपको धोखा कहाँ दे रहे हैं, हम आपको आगे आने वाली मुसीबत से बचा रहे हैं और आप हमें उस बात के लिए इज्जत भी नहीं दे रही हैं। जी नहीं, आप सिर्फ एक डरपोक इंसान हैं और आप ना कान खोल के बात सुन लीजिए कि मैं आप जैसों में से नहीं हूं, समझे आप? क्या कर लेंगे आप, क्या करेंगे आप? मैं पीछे नहीं हटूंगी और ना ही आपको हटने दूंगी। हाँ हाँ तो ठीक है, हम भी सेठ जी को जाके सब कुछ बता देंगे कि ये नाटक आपका रचा हुआ था, ये किडनैपिंग, ये प्लान, ये सब आपका था, हम बता देंगे, हम बता देंगे, देख लेना। ठीक है, तो मैं भी जाके पापा को नीचे बता दूंगी कि नाटक नहीं है, इन लोगों ने सच में मुझे किडनैप किया था। तो ठीक है, जैसे कि सेठ जी आपका यकीन कर लेंगे ना। यकीन तो नहीं करना ही पड़ेगा मेरी बात पे, क्योंकि जो फोन कॉल गई थी ना, पिंटू भाभी के फोन से गई थी। साले पिंटू की बच्ची। बाबा बाबा बाबा, ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने अपने फोन से सेठ जी को फोन किया, क्यों क्यों बाबू? मुझे क्या पता था कि रायता फल जाएगा। कहाँ फंस गए हम? इलायची जी, आप क्यों ऐसा करती हमारे साथ हमेशा, क्यों क्यों, क्या बिगाड़ा हमने, क्यों करती हमारे साथ ऐसा आप? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। टंटे अरेस्ट होने वाले हैं। ओह माय गॉड। अरे करू, मेरी बात मान ले, है ऐसा मत रो, धीरज से काम ले, धीरज से। अरे कैसे धीरज से काम लूं, मेरी जवान बेटी किडनैप हुई है, ऊपर से खूबसूरत भी है, पता नहीं वो किडनैपर मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक कर रहा होगा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे उसने मेरी बेटी पे अगर हाथ भी लगाया ना, तो गुद्दी तोड़ दूंगा उसकी गुद्दी। हाँ, तुम यहाँ बैठे बैठे उसकी गुद्दी तोड़ो, हाँ, उसे ढूंढने मत जाओ, अरे मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। सॉरी सेठ जी, आप क्यों वक्त जाया कर रहे हैं, कुछ दे दू के मामला खत्म कराइए ना। क्या दे दू के मामला खत्म कर दूं, क्या दे दू के मामला खत्म कर दूं, बता। किडनैपर्स ने कुछ तो डिमांड रखी होगी ना इलायची जी को छोड़वाने के लिए, अब हमारा मतलब है छोड़ने के लिए। सुन ले, बात कम कर, कोई भी डिमांड हो उनकी, एक फूटी खोड़ी नहीं देने वाला हूँ। देखिए वो बहुत खतरनाक गैंग है, तेरे रिश्तेदार है वो। ये क्या बोल रहे हैं आप, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। फिर तू क्यों कह रही है कि वो खतरनाक लोग हैं? हमने ऐसे ही अंदाजा लगाया। अब सेठ जी किडनैपर्स हैं, ये काम करने के लिए हिम्मत चाहिए सेठ जी, बहुत कॉन्टैक्ट्स चाहिए, बंदूकें रखते हैं ये लोग, खतरनाक ही होंगे ना। सुन, कैसे भी लोग हो वो, कानून के हाथ से बचना पाएंगे आप? वो दरोगा पिंकी जो है ना,
वो उस किडनैपर का नंबर ले जा चुका है, फोन नंबर। अब उस फोन नंबर के जरिए वो उस किडनैपर तक पहुंच जाएगा। अब मैंने तो दरोगा पिंकी से कह दिया है, वो साला झा भी देखे उसका उसका एकदम एनकाउंटर कर देना। तू तो ऐसे चीख रहा है जैसे तेरा एनकाउंटर होने वाला है। सर जी हम इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि हमें खून खराबा से बहुत डर लगता है। अरे अब चाहे खून खराबा हो, चाहे उस किडनैपर की लाशें गिर जाए, मुझे मेरी बेटी किसी भी हाल में सही सलामत चाहिए। तू चिंता मत करू, डर होगा पिंकी एक एक को चुन चुन के मारेगा। भाभी। हाँ जी। कभी आपका किडनैप हुआ है? नहीं नहीं जी, मेरा तो कभी नहीं हुआ किडनैप। वही मैं सोच रही थी, वैसे भी आपको किडनैप करके किडनैपर्स को मिलेगा क्या? जी क्या बोली आप? जी मेरा मतलब है कि भाभी आपको किडनैप करेंगे तो जीजाजी के पास कुछ है नहीं ना देने के लिए। हाँ हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वैसे ये सुनीता जी कहाँ चली गई? अरे है भाभी, मतलब सुनीता जी को बड़ा मिस कर रही है, क्या बात है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मैं बस यूं ही पूछ रही थी। सुनीता गई अपने घर पे, वो उसकी कोई दूर की मौसी आई है उससे मिलने के लिए, आ जाएगी थोड़ी देर में। बस सुन्नू का नाम आए क्या, तो एक आध सेल्फी हो जाए। हाँ, हाँ, ले लो, ले लो। चलो स्माइल। गुगु आ गए। आई आई फिर से लेना। हाँ अच्छी से झुमके दिखाओ, झुमके वाली सेल्फी लेंगे। अभी यहाँ सामने से ले लो। इलायची जी आप एक काम करें, हमारी भी एक सेल्फी ले ही लीजिए, हार चढ़ाने के काम आ जाएगी। क्या बकला बे? मेरा मतलब कैसी बात कर रहे हो गुगू? क्या हुआ जीजा जी? आपके इतने नूरानी चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? ये जो हमारे चेहरे पे 12 बजे हैं ना, ये सब आपके कारण हो रहा है। इसकी जिम्मेदार आप हैं। मैंने क्या किया और अब क्या हो गया? क्या हो गया? आपके पापा ने ना हमारा और पिंटू का इनकाउंटर कराने का पूरा बंदोबस्त करा दिया। हम तो गए इनकाउंटर। भाभी कौन करेगा आपका इनकाउंटर? हाँ अरे वही जो बचपन से दिल्ली में रह रही है। पिंकी दरोगा, और कौन करेगा? पिंकी अंकल। पिंकी अंकल करेंगे आपका इनकाउंटर। अरे यार आज तक उनसे चूहा तक नहीं मरा है, आपको क्या मारेंगे? इलायची जी आप कमाल की लड़की, हमारे यहाँ पे हालत खराब है, सर पे मौत मंडरा रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। एलो ने, एलो ने। बाबू भैया। हाँ बिल्कुल कड़क जेल लगा के खड़े कर दिए, शाम तक ऐसे ही रहेंगे। जी बताओ। हाँ? सुनो कहाँ जा रहे हो? जे तो अभी ना बता रही हूँ, छोटे शाम को बताइयो फिर। जाओ जाओ जाओ। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आराम से आराम से, शाम तक खड़े रहेंगे ना फिर। हाँ निकल लो। हाँ ऐसे ऐसे। अरे साइड में तो हो जा भाई। और भाई छोटे क्या हाल है भाई? और भैया कह रहा चल रहा धंधा? और छोटेंगी बाबू क्या हाल चाल है? अरे ब्रांड में भर्ती हो गया भाई तू तो है, बस कृपा है। अच्छा लग रहा। और भैया चटंकी कैसी कटी जेल में? अब कटने को क्या आया, मेरे जेल के बाजू में लेडीज कैदियों की सेल थी, अब उन्हीं से अपने 9 बटक का चल गया था यार। अच्छा हा? मतलब तुम कैदी औरतों से ही लगे हुए थे? अब जेल में थोड़ी ना कैटरीना करीना थी, उन्हीं से लगे हुए होंगे, बातें कर रहा है यार। सही है, सही है, सही है। एक बात बताऊं, औरतें तो मैंने बहुत देखी हा? लेकिन मैं ये कह रही हूँ जे कैदी औरतें होती कैसी हैं, मतलब आइटम होती हैं? अरे तेरी कसम भैया बड़ा जोश हुआ है, आम औरतों में ऐसा जोश कहाँ होता है, तेरी कसम क्या के बोल रहे। अच्छा अरे
अरे छोटे हाँ। एक बात पूछना चाह रहे थे यार, मेरे गल्ले में कितने यार रुपए पड़े हैं तुम्हारे? मेरे पास है 2-3 हजार है। क्यों? अरे 2-3 हजार तक क्या हुआ कद्दू? 2 लाख रुपए होते तो पार्टनर बना लेते तुम्हें यार मेरे। किस चीज का पार्टनर? अरे हम सोच रहे हैं यार कि मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म खोलने हैं, तो उसके लिए 2 लाख रुपए की जरूरत थी, तो कोई तुम्हारी नजर में पार्टनर हो तो बता दिए यार मेरे, बना लेंगे पार्टनर उसे। सड़ंगी भैया बुरा ना लगा तुम्हें, एक बार बताऊं, नजर में मेरे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तुम्हारा नाम सुनते ही चबन्नी ना लगाएगा कोई तुम पे। पूरे शहर में हमसे ज्यादा ईमानदार ना मिलेगा, बातें कर रहा है यार मेरे। अबे पिंटू हमारा मतलब बुबू, अब तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? जी क्या करेंगे मेरे फोन का? तुमने इस फोन से सेठ जी को फोन किया और सेठ जी ने यही नंबर पिंकी दरोगा को दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पिंकी दरोगा इस नंबर को ढूंढता हुआ कभी भी यहाँ पर आ सकता है, और इससे पहले कि वो यहाँ पर आए। मेरा मोबाइल गिर गया, बताओ कब गिर गया पता ही ना चला यार। जी तुम्हारा मोबाइल है? उन्होंने कहा तुम्हारा है यार। ना ना मेरा ना है। जब तुम्हारा ना है तो जाहिर सी बात है मेरा ही होगा बातें करना। अच्छा एक छोटा एक बात बताओ यार, तुम्हारा कितना चल रहा है चक्कर आजकल? मेरा तो मंदाग्नि से ही चल रहा है। फिर कुछ ना होगा, तुम्हारा गाने गाते रहिए बेटा, तो चल रहे हैं भैया। करू क्यों इतना रो रही है? क्या अपने आंसुओं से पूरा घर बहा देगी क्या? सबर रख ले। अरे कैसे सबर रख लूं? वहां मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी और तुम कह रहे हो कि सबर रखो। अरे इलायची एकदम मजे में होगी, परेशान तो वो साला किडनैपर होगा। इलायची ने सबकी बैंड बजा के रखी होगी, समझ जा। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बेटी बस किसी भी हाल में मुझे लाके दो। अरे दरोगा पिंकी का फोन आ रहा है। हाँ दरोगा जी, हाँ हाँ, नहीं नहीं देखिए आप मेरी बेटी को जल्दी से छोड़वाइए। अरे मेरी बीवी ने पूरा घर जो है रो रो के सर पर उठा रखा है। आपने वो नंबर ट्रेस किया? नहीं, लेकिन क्यों? ट्रेसिंग मशीन खराब हो गई है? अरे कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, हाँ हाँ ठीक 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 है दरोगा जी, ठीक है। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम ये दरोगा उरोगा के चक्कर में मत पड़ो, सीधे उन गुंडों से बात करो और कहीं से भी मेरी बेटी को लेकर के आओ, समझे? ये पुलिस वालों को तो ट्रेसिंग मशीन खराब है, वो क्या मेरी बेटी को ढूंढ के लाएंगे? मेरे तो भागे फूट गए। भाभी। हाँ जी। जीजाजी रात को सोते में घर आटे लेते हैं क्या? हाँ लेते हैं लेते हैं। अरे हाय पूरी रात? नहीं आगे दरवाजा खोलो। मैं खोलती हूँ, हक बनता है भाई। दरवाजा खोलो, अबे दरवाजा खोलो। क्या खबर लाए हरी राम? अरे इलायची जी क्या हुआ? बताओ तू। अरे चुप करिए आप, इतना ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रही है? सेठ जी नीचे बैठे हुए हैं, सुन लेंगे यार। क्या खबर लाया? मतलब क्या खबर लाया बुबू? देखिए खबर ये है कि ट्रेस करने वाली मशीन खराब हो गई है और हमारा नंबर अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया। शुक्र है भगवान का। मैं नहीं कहती थी। अरे पिंकी अंकल है ना किसी काम के नहीं, एक नंबर के आलसी काम चोर है। एक केस तो हैंडल नहीं हुआ आज तक, उनसे सॉल्व भी नहीं कर पाए। इस चक्कर में मेरा 1.5 हजार का मोबाइल फालतू फेंक दिया तूने। अबे क्यों इतना फैल रहा है यार? हमारा मतलब ये है
क्यों इतना फैल रही हो बुबू, नया मोबाइल ले लेंगे, नया फोन ले लेंगे, दूसरा आ जाएगा, है ना? कब दे दोबारा? कहां से ले लेंगे दोबारा? 2050 रुपए की तनख्वाह है आपकी, दोबारा कहां से ले लेंगे? भाभी अब शांति रखो यार, इतनी चिंता मत करो, फिर औती की रकम आएगी ना उसमें ऐड करा लेंगे आके मोबाइल के पैसे, ठीक है ना? ठीक, हटो एक सेकेंड। हाँ सुनो सुन, वो अपना ललित अंकल है ना, हाँ उसका फोन ले आ। हाँ अभी चाहिए, अभी लेके आ, जल्दी आ। ये क्या कर रही हैं आप? जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। एक मिनट भैया, कहो आनंद भैया, क्या हाल है भैया? ठीक ठाक हो? गर्मा गर्म कचौड़ी खिला दो यार मेरे। पिछली बार का 1000 रुपया उधार बाकी है छटंकी भैया, तुमने कहा था जेल से वापस लौट के दे दोगे। अरे तो कल लेके भाग रहे हैं तुम्हारा 1000 रुपया यार, दे देंगे यार मेरे, आ जाएंगे दे देंगे, चलो कचौड़ी खिला। बात कर रहे हैं यार, यार हम क्या सोच रहे हैं यार मेरे मेरे, हम सोच रहे हैं कि यार मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म खोल लें और उसमें हमें चाहिए 2 लाख रुपए, मात्रा बना लेंगे, बन जाओ तुम यार। हेलो हेलो, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने रुपए चाहिए? ये फोन तो बड़ा चमत्कारी मालूम पड़ रहा है, अलादीन का चिराग है, इसे कैसे मालूम मुझे पैसों की जरूरत है? हेलो, अरे बोल ले यार, कुछ बोल ले, पूछ रहा हूँ मैं। हेलो, अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, पूछ तो रहा हूँ कितने रुपए चाहिए, कितने? 2 लाख दे दो यार। 2 लाख? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, है? 2 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। चलो 1 लाख, 1 लाख रखते हैं, 1 लाख। देखो भैया, ना तुम्हारी ना हमारी, पौने 2 लाख दे दो, खत्म करो बात को। अरे ना कैसी बातें कर रहे हो, है? पौने 2 लाख भी बहुत ज्यादा है, कहाँ से लाऊंगा मैं? के पापा दे दो ना, लड़की से ज्यादा है क्या पैसे? देखो पैसे तो फिर भी कमा लोगे, पर लड़की को कुछ हो गया तो फिर? अरे तू चुप रह, एक मैं बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ना मैं। हेलो, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ 2.25 लाख में बातें हो गई। हाँ एड्रेस बताओ, कहाँ पहुँचाने हैं? हाँ बता रहे हो, बता रहे हो, क्या बताऊँ यार मेरे एड्रेस क्या बताऊँ। हाँ सुनो भैया, हाँ लिखो लिखो लिखो, हाँ लिखो, अब बंसल 420 लहंगा शॉप कचौड़ी वाली गली चांदनी चौक। हाँ हेलो 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 हेलो, हाँ कचौड़ी बनाओ जल्दी यार, फटाफट यार, तुम यार गर्म गर्म। देखो जो ये मोबाइल सुनू देखी गई है वो है ललित अंकल का, और इससे पापा को फोन मिलाना है। मिलाओ। अरे एक मिनट, पता नहीं किसका फोन आ गया। हेलो, हाँ भाई सेठ, देख अगर तू अपनी लड़की की खैरियत चाहता है तो मुझे पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो बात हुई थी, 1.25 लाख में मामला तय हुआ है, हैं? जब हाथ से पलट रहे हो, अरे गुंडे बदमाशों का भी कोई ईमान धर्म होता है? मैं कह रहा हूँ मैं 1.25 लाख से 1 चवन्नी कमने दूंगा। अरे इन्होंने तो फोन ही काट दिया है, क्या बोल रहे थे? अरे 1.25 लाख में बात तय हो गई, मैंने कब 1.25 लाख बोला? मैंने तो क्या है अब ये रायता किसने फैलाया है?